मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक नई जर्नी है, स्टार्ट करते हैं। सो ये दिल्ली से आगरा के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम एक आगरा की जर्नी है, तो देखते हैं कि कैसा रहेगा। सब कुछ ठीक है बट ऑनलाइन बुकिंग की है, सो लेट्स सी। 160 किलोमीटर है, वी हैव डन सो फार 70 किलोमीटर। तो मॉर्निंग में निकला था, उस वजह से ज़्यादा मैंने दिखाई नहीं आपको। तो अब सब ठीक है, मौसम भी ठीक हो गया है, तो अब निकलते हैं, चलते हैं। बाकी हमारे साथ एक से भले दो इंसान, एक हमारे साथ एक मित्र जा रहे हैं हमारे। हेलो, कैसे हो भाई लोगो? हम जा रहे हैं आगरा दिल्ली से। तो अभी हमने 70 किलोमीटर डन कर लिया है, सो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं अभी। चलो तब तक के लिए आगे मिलते हैं आपको बाइक पे। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आगरा की गलियों में पहुंच गए हैं मनोज भाई के साथ। मनोज भाई ताजमहल देखेंगे, बोलो। आप भी देख लेना भाई साहब, ठीक है। भाई और बहनों, आगे के फुटेज दिखाते हैं। दिल्ली से 3.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया है। आगे का सीन दिखा दूँ तुम्हें। और धीरे 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 आगे ऐसे चलना पड़ेगा, धीरे 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 चलेंगे। शक्ल की हालत ख़राब हो गई ना, चलो कोई नहीं, चलता है, इतना तो कर ही सकते हैं। एक से भले दो, मनोज भाई मीटर खींच के लाए हैं दबा के। 122 की स्पीड से स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए, उसके बाद के हमारे मामा भाई ने। भाई धूप हो रही है बहुत तगड़ी। गलती करी यार, बाइक हमने ना पीछे ही छोड़ दी है, हमें आगे लाना चाहिए था, है ना। चूतिया काट दिया यार, चूतिया काट दिया होटल वाले ने, कह रहा आगे पार्किंग नहीं है। तो एंट्री कर ली है, सामने देखो एकदम। सामने एकदम सीधे रास्ता है, ये गाइड है। ये साइड में साइड पिक्चर्स हैं जो लगी हुई हैं यहाँ पे। हाँ तो कैसा लग रहा है आके? एकदम बढ़िया, मस्त, मज़ा आ रहा है। आलू प्याज का पराठा कैसा था? आलू प्याज का पराठा ठीक था। ठीक था? हाँ यार, ये मास्क में हटा नहीं रहा हूँ, उसको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो चालान हो जाएगा यहाँ। हमारी भी मजबूरी है थोड़ा, समझो यार प्लीज़, है ना। सामने देखो सर खड़े हैं, अभी हमें इस साइड जाना है, यहाँ से एंट्री है भाई। एंट्री हो गई, आओ पधारो हमारे देश। पीछे तुम देख रहे हो बस नज़ारे। आवाज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, है ना, क्योंकि माइक वाइक निकलवा देते हैं। किसको कॉल लगा रहे भाई? सबको हाँ। वीडियो दिखा रहे, सबको वीडियो दिखा रहा अगला बंदा। सबको वीडियो दिखा रहा अगला बंदा यार, दिखाएंगे क्यों नहीं। आगे का जो नज़ारा है ना, मतलब ब्लर कर देता सब कुछ, ब्लर दिखाऊँ। चलो देखो, तुम भी क्या याद रखोगे। नहीं सर, व्हाट द ब्यूटीफुल, बाकी 360 व्यू कुछ इस तरीके से। मनोज भाई धीरे चलो यार, धूप लग रही है बहुत, देख रहे हो गर्मी हो रही है तगड़ी वाली, बट ठीक है, मैनेज कर रहे हैं आपके लिए। वो बहन की आँख
यहाँ किसी खांसते हुए देख लेना किसी ने, ऐसा क्वारंटीन में फेंकेंगे, निकल भी नहीं पाएंगे। फिर मुँह पे मास्क लगा लूँ। म्यूज़ियम के लिए एंट्री हो रही है, म्यूज़ियम 50 रुपीज़ में तो जो होती है ना टिकट वो नॉर्मल है, बट इसका 200 का एक्स्ट्रा लगता है। हमारे प्रशांत भाई जूते पहनते हुए भाई गर्मी हो रही बिकट बिकट गर्मी हो रही है, यहाँ से वहाँ का सीन। अब हम आ गए ऊपर, ये रहा देखो, बात कुछ ऐसी है घर जैसी है। अंदर ना यार म्यूजियम में ना फोटोग्राफी मना थी, तो अंदर ना फोटोग्राफी मना था उधर तक, तो अब देख लिया वैसे ऐसा मैं आके बंद हो रही है, आके बंद हो रही है भाई, धूप तेज हो रही है, मतलब आंखों पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो बंद हो रही है बार बार आगे, अरे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यार, बट ठीक है। ओ भाई गॉड यहाँ चलता फोटो शूट, वाओ भाई आगे का नज़ारा ना अद्भुत है, वाओ रस्सी लगा रखी है आगे नहीं जा सकते भाई, ओ हेलो पीछे हो जाओ, अच्छा कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें भाई, ये नदी है, नदी टाइप की है कुछ, रिवर है, मुझे नाम नहीं पता खैर इसका, भैंस दिखा दो तैरते हुए, नीचे भैंस भी तैर रही हैं, बोरी कैमरा जस्टिस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, हाँ भाई वोटिंग भी होती है, लास्ट टाइम तुम्हारे भाई ने यहाँ पे फोटोग्राफी कराई थी इस लोकेशन पे, यहाँ पे भी यार ये अच्छा लग रहा है, यहाँ ऊपर कौन जाता है पता नहीं, दरवाजे बने हैं सारे, इसके ऊपर कोई तो जाता होगा, दरवाजा तो है यार इसमें, चलो यार यहाँ खांसो मत, नहीं क्वारंटीन हो जाओगे, क्वारंटीन कर दिया जाओ तुम्हें तो नहीं करेंगे यहाँ क्वारंटीन, क्यों चेकअप करा के आए, चेकअप करा के आए, कौन सा वाला तभी एंट्री मिली है, अगला बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं चेकअप नहीं है, डायरेक्टली ऑफलाइन टिकट अप नहीं है, ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ रही है, सो ऑनलाइन बुक करने के बाद ही डायरेक्टली वो आपका थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद एंट्री। मुंह तो दिखा दो, मुंह दिखा दो अपना, मुंह अभी मास्क है यहाँ पे, चालान है भाई लोग ऐसा कुछ नहीं है, कोई चालान नहीं है, झूठ बोल रहा अगला बंदा। डीडी लास्ट टाइम हमने कहाँ फोटोग्राफी करी थी, लोकेशन दिखाता हूँ देख, बोरी उस जगह देख रहा है, और वहाँ पे खड़े होके तूने शॉट भी लिया था, लाइक कर दियो डीडी और केडी दोनों, धूप में तेरे ले आया हूँ मैं तुझे दिखाने कि प्रशांत भी जा सकता है अकेला प्लस मामा के साथ। धूप कैसी लग रही है, चुभ रही है ना, हाँ आंखें बंद हो रही है, मतलब वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, वीडियो को क्लोज भी कर देना, बाकी तो सब बढ़िया है यार, तुम सीधे हाथ पे हो यार इधर, बाकी तो घूम लिया, अच्छा रहा ट्रिप, मज़ा आया, धूप बहुत तगड़ी है, धूप ने ना मतलब छील रखी है, धूप ने छील दिया हमारी, आगे बंद हो रही है, अभी दिल्ली भी जाना है अगेन अगेन इन द सेंस की
रिटर्न जुबान लड़खड़ा रही है मेरी, धूप में जुबान लड़खड़ा रही है। जो नॉर्मल एंट्री होती है 50 रुपये की, जो 50 रुपीज़ में होती है, वो सिर्फ मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ वो सामने से एंट्री, इस साइड से जाओगे और वो वाला जो देख रहे हो ना किला टाइप का, उसमें आप घूम सकते हो। लेकिन अगर इफ़ यू परचेज द म्यूज़ियम टिकट, तो उसके बाद क्या होगा कि आप भाई ये वाला जो है ना म्यूज़ियम, इसके अंदर भी जा सकते हो। मैंने फुटेज बनाने की कोशिश करी बट अलाउड नहीं किया उन्होंने। एग्ज़िट है यहाँ से, एग्ज़िट हो रही है। और ये नकली जूते, इनका क्या करना है? इन्हें पहन के चलें क्या? मास्क नहीं है, मास्क में ज़्यादा सेफ्टी नहीं हो पाती, मुझे लगता है कि ये भी अलाउड है। चलो चलते हैं भैया, निकल जाए यहाँ से, यहाँ से सीधे जाओ डस्टबिन में ये डाल के। अच्छा ये यार, ये 10 रुपए के लिए है ना, डस्टबिन में डालना है। है यार, तुमने 10 रुपए के खरीदे हैं यार, ये फेंकने पड़ रहे हैं। चलो द जनरी वॉज फैबुलस, मज़ा आया राइड करके। एंड के जो 100 किलोमीटर थे ना, आई बिलीव वो सुपर थे। और दिल ना यहाँ पे आ गया था, देखो तो यहाँ पे बाइक इतनी तेज चला रहे थे ना, 122 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से 130। ये ना यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया था, बट ठीक है जल्दी पहुँचे, देख लिया, घूम लिया, एंजॉय कर लिया देन। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही आपको व्लॉग अच्छे मिलते रहें। सो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सोलो राइड नहीं थी इस बार एक वन ऑफ माई फ्रेंड, उनके साथ राइड थी, अच्छा था। 200 किलोमीटर अप्रॉक्स डन किया है। सो नेक्स्ट राइड मिलेगा आपको नैनीताल का कुछ ही दिनों में, सरप्राइज़ रहेगा किस दिन जाऊँगा, बाकी तो सब ठीक है। ऐसा नज़ारा कुछ नैनीताल में भी मिलेगा आपको, इससे भी बढ़िया। तो यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं, प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक मोटिवेशन मिलती है ताकि अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी लोकेशन आपको दिखाएं, हंसी मजाक वो सब चलता है, सब सारी चीज़ें फन में हुई हैं। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में,